आप जो है खत्म करिए, लेकिन बात आगे बढ़ गई। सबसे पहली बात यह है कि डीसीपी साहब झूठ बोल रहे हैं, पुलिस झूठ बोल रही है, मेरे पास वीडियो है, फुटेज है कि वो स्टेज पर सीढ़ियां चढ़कर आ रहे। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि डीसीपी साहब ने कहा कि उन्होंने इशारे किए, इशारे किए, तो सवाल यह है कि फिर इशारा पुलिस कर सकती है, इशारे हम नहीं कर सकते। हिंट किया कि जल्दी खत्म करें। अच्छा, हिंट किया है, क्योंकि क्या हमको रूल या रेगुलेशन पता नहीं है कि कितना टाइम दिया गया है? भाई टाइम 10 बजे तक है, अगर हम 10 बजे के बाद में अगर स्पीच देते हैं तो उनका इख्तियार है, लॉ है, वो केस बुक कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी के पब्लिक मीटिंग में स्टेज पर चढ़कर आ जाना और बोलना कि टाइम हो गया है, तो ये तो गलत बात है। पुलिस को ऐसा करना नहीं चाहिए, और इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस पार्शल है या इम्पार्शल है। सर, काफी सेक्शंस लगाए गए हैं, काफी संगीन सेक्शंस लगाए गए हैं। 506 है, जान से मारने की धमकी दे। क्या ऐसा हो गया था सर जिसकी वजह से इस लेवल पे चीजें चली गई, और आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से चीजें इस लेवल पे? पूरा जुमला बोलेंगे आप? पूरा जुमला क्या पूछना चाह रहे हैं बोलिए ना, आप क्या पूछना चाह रहे हैं बोलिए। मैं समझ नहीं चाह रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या चीज हो गई जिसने जिसकी वजह से। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपका कोई परमिशन के साथ आपका अगर कोई फंक्शन हो रहा है और आपको पुलिस ने परमिशन दिया है, इलेक्शन अथॉरिटीज ने परमिशन दिया है, और आप अपना फंक्शन कर रहे हैं, सीधे अगर आपके फंक्शन में अगर मैं आ जाऊं तो क्या आप यही सवाल करेंगे मुझसे? भाई देखिए, मेरे पास वैलिड परमिशन था, मैं टाइम के अंदर था, और वो आकर डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी पूरा फुटेज भेज दिया है जहां पर वो स्टेज पर चढ़कर आए थे, और एक इलेक्शन अथॉरिटी की एक ऑफिसर ने यह भी कहा है कि इट इज अ मिस्टेक ऑफ द पुलिस के ही क्लाइम्ड एंड केम टू द स्टेज, ये भी बोल चुके हैं। और तीसरी चीज ये है कि मैंने पुलिस के खिलाफ भी कंप्लेंट दिया हूं और रिक्वेस्ट किया हूं कि इस पे इंक्वायरी होना चाहिए, कि यू कैनॉट कम एंड ऑब्स्ट्रक्ट एन आउटगोइंग पब्लिक मीटिंग। और जो सेक्शंस डाले गए हैं ये कोई नई बात नहीं है, मेरे ऊपर इससे पहले भी डाले गए हैं, और ऐसे झूठे मुकदमे तो पड़ते रहे हैं। मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ हूं, और मैं डिमांड कर रहा हूं इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और सारी चीजें क्लियर सामने आनी चाहिए कि कौन कसूरवार है, उस कसूरवार को सजा होनी चाहिए। अगर मैं कसूरवार हूं तो जरूर मुझे सजा दीजिए, अगर पुलिस है तो उन पुलिस ऑफिसर्स को लीगली एक्शन लेना चाहिए और उनको सस्पेंड भी करना चाहिए कि पीसफुल एक मीटिंग जा रही है उसमें जाके आप डिस्टर्ब करके ऑब्स्ट्रक्ट करके रोकते हैं, ये गलत बात है। अगर पुलिस अगर आके बैठना चाहती है तो जरूर मैं अपना स्टेज दे देता हूं, उनको कुर्सी भी देता हूं, आके बैठ सकते हैं हमारे जलसों। आप जो ईसीआई का वर्जन जो हमसे बातचीत करने पर बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन को कोई वायलेशन नहीं दिखाया आपके स्पीच में या वहां पर जो इंसिडेंट हुआ उसमें, इसीलिए उन्होंने कोई केस दर्ज नहीं किया, लेकिन पुलिस का इस तरीके से केस दर्ज करना क्या इंडिकेट करता है सर? देखिए इंटेंशन, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ने बताया कि वो टैब लेकर ऊपर चढ़े थे डायस के पास, टाइम से पहले फोटो खींचने के लिए रेडी प्रिपेयर हो रहे थे कि 10 बजने के बाद वो फोटो लेंगे, तो वो इलेक्शन कमीशन का वर्जन वो है, लेकिन डीसीपी बता रहे हैं कि ऑफिसर वहां पर डायस पर चढ़े थे, हाथ बनकर नीचे ही ठहरे थे। देखिए, वो डायस वो चढ़े हैं, न सिर्फ ये बल्कि इससे पहले भी यही पुलिस ऑफिसर ने मेरा स्कूल, मेरे प्राइवेट प्रमाइसेस में मैं बैठा हुआ था,
और वो स्ट्रेट बाज करते हुए अंदर आए, सेम ऑफिसर सीधा अंदर आए वो। तो ये सेकेंड टाइम इन्होंने ऐसा किया। या देखिए, इट इज अ स्कूल, इट इज माय प्राइवेट प्रमाइसेस, आई एम सिटिंग देयर, आई एम मीटिंग सम फ्यू पीपल, माय फ्रेंड्स, माय पार्टी पीपल, एंड आल्सो इन द स्कूल द नीट कोचिंग वाज गोइंग ऑन, द एमसेट कोचिंग वाज गोइंग ऑन, गर्ल्स एंड चिल्ड्रन वर स्टडिंग, आई वाज सिटिंग देयर, आई वांटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लासेस I waited there so that the girls can go from the campus. And this police officer, he just barges in inside, seedha andar dakhil ho jate hain, aake thehar ke ghoor rahe the mujhe. No reason. So, inki aadat hai, main aap se poochna chahta hoon, main aap se sawal karna chahta hoon. Aap ko permission mila ek time se ek time tak. फंक्शन करने का, जलसा करने का, उसमें अगर कोई सीधा अंदर आ जाता है और डिस्टर्ब करता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप खुद बताइए, क्या ये सही है? क्या ये सही है बताइए कि एक मीटिंग चल रही है, पब्लिक है वहां पे, और लास्ट मोमेंट, डाइंग मोमेंट्स है, और मैं कोई 10 बजे के बाद तो नहीं कर रहा, 10 बजे से पहले ही अपनी तकरीर कर रहा था, तो यहां ऐसे एकदम आ जाना, आके डिस्टर्ब करना, क्या क्या चाह रहे थे वो, मुझे खुद नहीं मालूम। सर, आपका एक स्टेटमेंट जब आपने इशारे पे चल रहा था या फिर अपना पर्सनल निकाल रहे थे? इंटेंशन नहीं, शायद ऊपर से इनको ऑर्डर है